श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 9वां अध्याय 3 महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा शरयति का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा शरयति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शरयति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बांबी दीमकों की एकत्र की हुई मिट्टी के छेद में से जुगनू की तरह दो ज्योतियाँ दिख रही हैं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को भेद दिया। इससे उनमें से बहुत सारा खून बह चला। उसी समय राजा शरयति के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। राज ऋषि शरयति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर शरयति घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बांबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उनके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दो अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसीलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब और नसें दिख रही थी। झुरियाँ पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उस समय कुंड से तीन पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को ना पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पतिव्रत से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा थे राजा शरयति च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शरयति ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का ना समझकर छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊँचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा शरयति के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृंगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सब सुनकर राजा शरयति अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर शरयति से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी ना होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया।
इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसीलिए उनसे यह सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर शरयति को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैध होने का कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित, शरयति के तीन पुत्र थे, उत्तान बरही, अनर्त और भूरिश्रेण। अनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशल स्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुंदमी। कुकुंदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उनके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बिरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर ना मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब अपने पुत्र, पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इसी बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसीलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। राजन, उन्हीं नर रत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम, लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुंदमी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहां तहां यूं ही निवास कर रहे थे। राजा कुकुंदमी ने अपने स्वर्ग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्री वन की ओर चल दिए। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 9वां अध्याय 3 समाप्त।